मध्य प्रदेश में चुनावी मतगणना नतीजों की तरफ लगातार आगे बढ़ रही है, जहां रीवा जिले की दो विधानसभा सीटें रीवा और बहुगंज से भारतीय जनता पार्टी के दोनों ही प्रत्याशियों ने कमल खिलाने में सफलता पाई है, जहां पर राजेंद्र शुक्ला और प्रदीप पटेल यहां से दूसरी बार विधायक बने, राजेंद्र शुक्ला पांचवी बार जबकि प्रदीप पटेल दूसरी बार यहां से विधायक चुने गए। आपको बता दें जहां सिरमौर विधानसभा सीट में कड़ी टक्कर देखी जा रही है बीडी पांडे के बीच और दिव्यराज सिंह के बीच। आपको बता दें कि ज्यादा अंतर अभी नहीं है, इनके चरणों के जो भी मतगणना के परिणाम आए हैं ज्यादा अंतराल नहीं है, जबकि यहां से सिरमौर विधानसभा सीट से दिव्यराज सिंह 2218 वोटों से ही आगे चल रहे हैं, जहां पर कड़ी टक्कर बीडी पांडे दे रहे हैं, जबकि वहां पर राम गरीब बनवासी जो कि पिछले चरणों में आगे चल रहे थे उनको पीछे छोड़कर बीडी पांडे और दिव्यराज सिंह ने बढ़त बनाई है, लेकिन कड़ी टक्कर अभी भी दिव्यराज सिंह को बीडी पांडे यहां से लगातार दे रहे हैं, जबकि अन्य सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की एक सीट में आस झलक रही है, सिमरिया विधानसभा सीट में अभय मिश्रा लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और अभय मिश्रा सिमरिया विधानसभा सीट में 2717 वोटों से आगे हैं, जो कि एक कांग्रेस के लिए संजीवनी की तरह है। रीवा विधानसभा या रीवा जिले की बात की जाए तो संजीवनी की तरह सिमरिया विधानसभा सीट है, जहां पर अभय मिश्रा लगातार आस और बढ़त बनाए हुए हैं। यहां पर सिरमौर की बात की जाए तो बीडी पांडे लगातार टक्कर दे रहे हैं, क्या स्थिति होगी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। कुछ चरणों की यहां पर मतगणना अभी बाकी है जो कि जारी है, कुछ ही घंटों में यहां पर स्थिति साफ होगी कि आखिर कौन उम्मीदवार यहां से बाजी मार कर जाता है। फिलहाल यदि बात की जाए तो रीवा जिले में मऊगंज और रीवा विधानसभा सीट में दोनों सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है।